अब ये तस्वीर आप देखिए और इसे देखकर हम ये कह रहे हैं पटरी पर प्लेन, गजब की ट्रेन। इसलिए क्योंकि अगर आप ट्रेन में सफर करने के शौकीन हैं और मुंबई पुणे रूट पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो डेक्कन एक्सप्रेस से यात्रा आप जरूर करें। रेलवे ने आपके सफर को और ज्यादा यादगार और मजेदार बनाने के लिए एक अनोखी पहल शुरू कर दी है। भारतीय रेलवे ने डेक्कन एक्सप्रेस में विस्टाडोम कोच की सुविधा का शुभारंभ कर दिया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पहली बार विस्टाडोम कोच के साथ मुंबई पुणे रूट पर चलने वाली इस डेक्कन एक्सप्रेस की यात्रा का वीडियो भी शेयर किया है, जिससे यात्री तमाम लग्जरी सुविधाओं के साथ साथ विस्टाडोम कोच में बैठकर नदियों, घाटियों, झरनों के साथ साथ पश्चिमी घाट की खूबसूरती का आनंद भी लेते नजर आए। यात्रियों ने सफर के दौरान अपनी यात्रा मोबाइल पर नहीं बल्कि सुंदर वादियों को देखते हुए गुजारी। आपको जानकारी भी दे दें कि मुंबई पुणे रूट पर पहली बार डेक्कन एक्सप्रेस विस्टाडोम कोच के साथ चलाई गई और इसमें 44 सीटें हैं। लोग इन 44 सीटों पर बैठकर किस तरह से डेक्कन एक्सप्रेस में इस व्यू का लुत्फ उठा रहे हैं और उसे अपने कैमरे में भी कैप्चर कर रहे हैं, उसकी तस्वीर इस वक्त आप देखिए। मुंबई पुणे डेक्कन एक्सप्रेस में पहली बार विस्टाडोम कोच लगाया गया और इसमें ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर लगाए गए। इसकी सीटें 180 डिग्री पर रोटेट करती हैं और इसकी छत ट्रांसपेरेंट है। इसके अलावा विस्टाडोम कोच की खासियत क्या है आपको दिखाते हैं मेरी सहयोगी शिवांगी ठाकुर की ये रिपोर्ट। मुंबई से पुणे यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलवे ने दी है नई सौगात। आपको बता दें कि डेक्कन एक्सप्रेस जो ट्रेन है अब उसमें विस्टाडोम कोच को जोड़ा गया है और इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी कोच में है। सबसे पहले तो आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए ये एरिया जो है वो ऑब्जर्वेशन एरिया है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुंबई से पुणे का जो रास्ता है वहाँ पर काफ़ी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में तमाम जो यात्री हैं वो इस ऑब्जर्वेशन एरिया में रहकर उन सभी नज़ारों को देख पाएंगे। और ज़रा आगे चलते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं, काफ़ी कुछ इस ट्रेन में इस कोच में है। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर हमें गेट खोलना है ऑटोमेटिक बटन है। अंदर आप देख सकते हैं 40 से अधिक सीटें यहाँ पर मौजूद हैं पैसेंजर्स के लिए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि क्या क्या यहाँ पर है तो देखिए टच के थ्रू ये गेट जो है ओपन होता है और बंद होता है। और ज़रा आगे बढ़ते हैं तमाम पैसेंजर्स जो हैं वो भी अब यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। साथ ही विंडो की अगर बात की जाए तो देखिए विंडो का साइज़ काफ़ी बड़ा है जो आम ट्रेनें होती हैं उसके हिसाब से, और ये इसीलिए है ताकि जो भी पैसेंजर्स यहाँ पर आए वो नज़ारे जो भी देखने को मिलेंगे उसका लुत्फ़ उठा सके। ऊपर अगर हम देखें तो रूफ टॉप आप देखिए यहाँ पर भी जो यात्री यात्रा करेंगे वो देख पाएंगे। साथ ही कैमरा हम आपको पैन करके दिखाने की कोशिश करेंगे कि डिस्प्ले के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पर लगाए गए हैं, यानी जो भी हलचल इस कोच में हो रही है वो इन सीसीटीवी कैमरों में कैद की जाएगी। फायर अलार्म भी यहाँ पर है। साथ ही जो सीट हैं वो सीट भी 180 डिग्री रोटेट होती हैं। और एक खास चीज़ हम आपको दिखाते हैं कि नॉर्मली हम देखते हैं कि जो ट्रेन की सीट्स होती हैं उसमें बैठने की जगह नहीं होती या कम होती है, अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन यहाँ पर बड़ी आसानी से बड़े आराम से हम बैठ सकते हैं। और ख़ासकर ये देखिए ये बेहद ख़ास है, अलग है ट्रे। अगर आपको ट्रेन में बैठते हुए कुछ खाना है तो ये आप कंफर्टेबल तरीके से यहाँ पर बैठकर खा सकते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।